प्रदेश भर में सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक अनलॉक 1.0 शुरू हो गया है। इसके तहत सभी राजकीय संग्रहालय, स्मारक, पर्यटन स्थल, नेशनल पार्क सैलानियों के लिए खोल दिए गए हैं। तो वहीं पहले दिन सभी पर्यटन स्थलों पर सरकार की ओर से संगीत कार्यक्रम और प्रचार प्रसार के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता हनुमान सिंह चारण ने। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले दो महीने से अधिक समय से बंद पड़े राजस्थान के सभी राजकीय संग्रहालय, पर्यटन स्थल या स्मारक है, उनको आज खोल दिए गए के आदेश जारी किए गए थे। इसके बाद आज खोल दिए गए हैं। आज पहला दिन है, तो पहले दिन केवल जो है साफ सफाई और सैनिटाइज, इसके अलावा राज्य सरकार ने एक आदेश दिया था जिसमें कि प्रचार प्रसार से बढ़ावा दिया जाए कि पर्यटन स्थल खोल दिए गए हैं, दोबारा पर्यटक आए, इसके लिए कई तरीके के संगीत कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा पूरे जो परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है, साफ सफाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो है अभी राजस्थान पुरातत्व विभाग के निदेशक हैं प्रकाश चंद्र जी, उनसे बात करते हैं। सर बताएं क्या तैयारी है, किस तरीके से आज जो है खोल दिए गए हैं। देखिए 18 मार्च 2020 को हमने सभी स्मारक और संग्रहालय कोरोना महामारी के कारण से बंद कर दिए थे। लगभग 2.5 माह बाद आज हमने इनको राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति के बाद खोल दिया है। आज प्रचार प्रसार के उद्देश्य से सभी संग्रहालयों और स्मारकों में हमने लोक कलाकारों की प्रस्तुति करवाई है, सभी जगह परफॉर्मेंस हो गई है और कल से रेगुलर पर्यटकों और विजिटर्स के लिए ये खोल दिए जाएंगे। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, इतवार पहले सप्ताह में सुबह 9 से 2 बजे तक खुलेंगे। द्वितीय सप्ताह में मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, इतवार 9 बजे से लेकर 1 बजे तक और 3 बजे से 5 बजे तक, और उसके बाद तीसरे सप्ताह से ये सभी संग्रहालय और स्मारक नियमित रूप से पर्यटकों के लिए खुले रहेंगे। जो शुल्क है पहले 2 सप्ताह में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और तीसरे सप्ताह से आगे 50% शुल्क पे टिकट दिए जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए उसके लिए क्या खास तैयारी है, इसके अलावा जो कर्मचारी स्टाफ है उनको क्या दिया गया है ऐसा मैसेज ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे, किसी तरह के संक्रमण न। कोई भी विजिटर या पर्यटक हमारे यहाँ पे आएगा, सबसे पहले तो उसके पास मास्क होना बहुत ज़रूरी है, मास्क के बिना हम प्रवेश नहीं देंगे। टिकट विंडो पे जाएगा, उसके सामने 6-6 फीट के दूरी पर गोले बनाए गए हैं, उन गोलों में रह के ही वो खड़ा होगा, अपनी टिकट लेगा। कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन टिकट लेके आए जिससे किसी तरह की दिक्कत ना हो। उसके बाद जो हमारे गार्ड्स जो ड्यूटी पे होंगे उसके हाथों को सैनिटाइज कराएंगे और एक एक करके पंक्तिबद्ध करके उनको अंदर भेजेंगे। अंदर भीड़ भाड़ नहीं हो इसलिए 5-5, 6-6 आदमियों के ग्रुप में ही अंदर भेजेंगे। अंदर गार्ड्स जो ड्यूटी पे रहेंगे वो उनको आगे बढ़ाते रहेंगे जिससे किसी भी एक स्थान पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो। थर्मल स्कैनिंग उनकी की जाएगी। अंदर भी ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि वो किसी भी वस्तु को ना छुएं, किसी दीवार को ना छुएं, किसी व्यक्ति के पास पान गुटखा वगैरह नहीं होना चाहिए, यदि कोई इस तरह का पाया गया तो वो बाहर ही रखवा लिया जाएगा और फिर भी कोई इन बातों का उल्लंघन करेगा तो उसे फिर जुर्माना वसूल किया जाएगा। सरकार की गाइडलाइन है उसके मुताबिक ही यहाँ पर जो है स्थल खोले गए हैं और पूरी पालना की जाएगी, अगर कोई भी उसका उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही जो है आप देख सकते हैं ये सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। आज अर्बट हॉल जो कि एक बहुत बड़ा म्यूजियम है, यहाँ पर लाखों की तादाद में पर्यटक हर साल आते हैं, तो यहाँ पर एक बार दोबारा से जो है पर्यटन उद्योग को जो है पटरी पर लौटने की उम्मीद है। हमारे साथ जो है राजस्थान अर्बट हॉल म्यूजियम के अधीक्षक जो है वो भी हैं, उनसे भी बात करते हैं क्या तैयारी है अर्बट हॉल पर। सर बताएं राकेश जी क्या तैयारी है अर्बट हॉल। देखिए अर्बट हॉल को टूरिस्ट के लिए कल से खोला जा रहा है, तो उसके लिए पहले पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज कराया जा रहा है, साथ में गार्ड्स के लिए और स्टाफ के लिए फेस मास्क और शील्ड, दस्ताने, सैनिटाइजेशन वो सब परचेज कर लिए गए हैं और जो भी टूरिस्ट कल से आएगा उसको हम सैनिटाइज करा कर पूरा चेक करके और उसके बाद ही अंदर भेजेंगे। और एक साथ हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे, एक साथ जो टूरिस्ट की संख्या 5 से 10 के बीच में भेजेंगे एक बार में, और जैसे जैसे वो टूरिस्ट आगे निकलता जाएगा तो पीछे से लोगों को भेजेंगे। कितनी उम्मीद है पर्यटक दोबारा जो सामान्य स्थिति में पहले जो आते थे वो तादाद कब, कितना समय लगेगा क्या? देखिए ये कहना अभी कोरोना की स्थिति को देखते हुए कहना भी बहुत मुश्किल है कि पुरानी वाली स्थिति कब तक बहाल होगी, क्योंकि जब तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह चालू नहीं होंगी बाहर का पर्यटक नहीं आ सकेगा, दूसरे स्टेट का पर्यटक नहीं आ सकेगा, तो वो स्थिति बहाल होना पर कहना अभी जल्दीबाजी हो गई। लेकिन चूंकि डोमेस्टिक टूरिस्ट काफ़ी दिनों से अपने घरों में बंद है, लगभग 2.5 महीने से सब लोग घरों में बंद है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि लोग थोड़ा पॉजिटिव होने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए घर से बाहर निकलकर म्यूजियमों की तरफ, स्मारकों की तरफ आएंगे, उम्मीद है आएंगे। जो लोग लॉकडाउन में लंबे समय से बंद थे, छुट्टियों में कहीं जा नहीं पाए, तो उनसे उम्मीद कर रहे हैं राजस्थान का पर्यटन विभाग
कि ये लोग दोबारा आएंगे तो पर्यटन की जो रौनक है वो लौटेगी। हालांकि पुरानी रौनक लौटने में अभी समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ही सही ये दोबारा पर्यटन उद्योग को खड़ा करने के लिए राज्य सरकार ने जो पहल की है, इससे जो है न केवल राज्य सरकार को आय प्राप्त होगी बल्कि राजस्थान के पर्यटकों को इस ऐतिहासिक और धरोहर स्थलों को दोबारा देखने का मौका जरूर मिलेगा। कैमरा पर्सन रामकिशन सैनी के साथ हनुमान सिंह चारण, A1 TV जयपुर।